स्टडीज टुडे वी स्टार्ट बी ई सी सी 133 प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. सो लेट्स सी व्हाट्स कम इन दिस फर्स्ट ब्लॉक. फर्स्ट ब्लॉक इज इशू इन मैक्रो इकोनॉमी एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग. फर्स्ट यूनिट इज इशूज एंड कंसेप्ट. सेकेंड यूनिट नेशनल इनकम अकाउंटिंग. थर्ड यूनिट मेजरिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. रफली आई एक्सप्लेन यू दिस होल यूनिट. फर्स्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. वट इज़ द importance of macroeconomy. I know you all know about macroeconomy. What is macroeconomy? Let's not talk about small things, let's talk about whole thing. Like कोई छोटी चीज़ के लिए हम macroeconomy का use नहीं करते, हम measuring करने के लिए बड़ी units के लिए, जैसे कि aggregate demand, aggregate supply, जो भी हमारे, जैसे कि किसी company में किसी चीज़ के लिए या किसी इंडिविजुअल फार्म में किसी चीज़ की प्रॉब्लम या फिर कुछ भी कोई डिमांड है, तो हम उसको मेजर नहीं करेंगे. हम होल एंटायर जो पूरी कंपनी का जो सेंटर है उसमें जो प्रॉब्लम है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमी में. जो स्मॉल कंसेप्ट पर तो बात नहीं, स्मॉल कंसेप्ट पर नहीं फोर्स देते, जो कि हमारे जितने भी बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं वी सी दैट एरिया. आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड वट इज़ माइक्रो इकोनॉमी मीन्स लेट्स टॉक अबाउट इन अ स्मॉल एरिया, जो कि स्मॉल एरिया पर ध्यान, जो स्मॉल एरिया के बारे में बताता है. और मैक्रो का मतलब जो होल, जो कि पूरे एरिया को बताता है, एक इंडिविजुअल नहीं, एक स्पेसिफिक कंट्री के बारे में नहीं बताता, एक स्पेसिफिक सिटी के बारे में नहीं बताता, पूरा कंट्री के बारे में बताना. सो दैट इज़ कम इन अ मैक्रो इकोनॉमी. लेट्स टॉक अबाउट एग्रीगेट प्राइस, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड. सो ये सारे कंसेप्ट इसमें ही आते हैं. ट्रेड हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फाइनेंस, दैट्स ऑल थिंग्स कम इन मैक्रो इकोनॉमी. सो लेट्स सी वाइड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी फॉलोविंग्स आर इंक्लूडिंग. हम किस किस चीज़ों की हम स्टडी करते हैं वो अभी हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमी में. फर्स्ट इज़ थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. तो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में हम क्या, किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, अपनी नेशनल इनकम को. तो इसमें क्या आएगा, लेट्स सी इन मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमी में डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं नेशनल इनकम के, इट्स डिफरेंट फैक्टर्स, और इसके अपने ही डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. मैथड्स टू मेजर इट्स एंड सोशल अकाउंटिंग आर स्टडी. जो कि इन मैथड्स को मेजरिंग, जो नेशनल इनकम को मेजर करने के मैथड्स को देखते हैं, इसी को हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमी में. डिफरेंट मैथड्स को जानने के लिए, इकोनॉमी की जो इनकम है उसको मेजर करने के लिए नेशनल इनकम को. सेकेंड इज द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम किसी की स्टडी करते हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड नहीं है, उससे रिलेटेड हम इसमें स्टडी करते हैं. सो नॉट ओनली दिस, इफेक्टिव डिमांड्स, इसमें हम इफेक्टिव डिमांड्स को देखते हैं. टोटल सप्लाई, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग एटसेट्रा आर स्टडी इन दिस. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पूरे एरिया को हम स्टडी करते हैं कि डिमांड कितनी, जितनी डिमांड होगी उतने ज़्यादा डिमांड होगी तो वी नीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट्स. अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की नीड होगी ना, हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे. नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मनी. चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेवल टू अ ग्रेट. अब जो हमारे जितने भी चेंजेस, जो डिमांड और सप्लाई में जो चेंज होते हैं, और जो मनी में जो एम्प्लॉयमेंट में जो इफेक्ट पड़ता है, इन मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर ऑफ मनी एंड रिलेटेड थ्योरी आर स्टडी. इससे रिलेटेड हम चीज़ों को स्टडी करते हैं कि मनी में कितनी डिमांड में चेंजेस आए और कितनी सप्लाई में चेंजेस आए हैं. बैंकिंग सिस्टम एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो स्टडी इन दिस कॉन्टेक्स्ट. जिसमें कि हम बैंकिंग के बारे में भी स्टडी करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मनी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, किसमें, थ्योरी ऑफ मनी में. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल. थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है. इसके हम स्टडी करते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में, मतलब हमारे जो एरिया में यहाँ पे महंगाई है, जब हमारे किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है, इट मींस आर कंट्री गो इन इन्फ्लेशन साइड. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फॉर अ शूज़. एक शूज़ का प्राइस है वो 700 है, और वो 700 से इंक्रीज होके 900 हो जाए, इट मींस इन्फ्लेशन गोइंग ऑन इन आर कंट्री. अगर उसी का अपोजिट हो जाए, वाइस वर्सा, इफ 700 कॉस्ट ऑफ आर शू बट इट्स टर्न इन अ 500 और 600, सो इट मींस आर कंट्री हैज़ डिफ्लेशन. मतलब कि जिसमें पैसे इंक्रीज होते हैं, इट में पैसे मींस किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा, इट मींस दैट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन. व्हेन एवर प्राइस इज डिक्रीज, इट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ डिफ्लेशन.
आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स डिफरेंस इन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हम एक पर्टिकुलर एरिया को कंसीडर नहीं करते, हम अपने कंट्री के हम ग्रोथ को, हम इकोनॉमी की ग्रोथ को हम कैसे बताएंगे. इकोनॉमी की ग्रोथ को हम तब बताएंगे हम अपने रियल कैपिटल इनकम को हम देखेंगे और रियल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे कि हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं. और हमें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि अंडर डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर स्टडी, हम इन सब में अंडर ग्रोथ डेवलपमेंट इकोनॉमी के जो ग्रोथ है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे. गवर्नमेंट मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी आर स्टडी इन दिस. और जो कि गवर्नमेंट के जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं इनको भी स्टडी करेंगे. किसमें? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एरिया को कंसीडर करके हमें ये बोल दें कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है. सभी एरियाज ग्रोथ होनी कंपलसरी है. ऐसा नहीं है कि हमारी कोई मशीन्स में ग्रोथ हो रही है तो हम उसको बोलेंगे हम अच्छा प्रोडक्शन हमारी कंट्री डेवलप हो रही है. इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. मे बी दैट दैट ग्रोथ बाय मशीन्स. सो ये सभी इसमें हमारी कंट्री में भी हमारे यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड हों, बट इवन देन ग्रोथ गोइंग ऑन, इट डजेंट मीन आर कंट्री हैज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट इज़ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में हम ये स्टडी करेंगे कि जो जो दो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं उसकी हम स्टडी करेंगे कि कितना कहाँ इंटरनेशनली कितना ट्रेड हो रहा है, कितने प्रोडक्शन का ट्रेड हो रहा है, इनपुट कितना हो रहा है और एक्सपोर्ट कितना हो रहा है. दैट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज सिक्स पॉइंट्स एंड आई सजेस्ट यू प्लीज़ रीड दीज सिक्स पॉइंट एंड एक्सप्लेन ऑन योर ओन वर्ड. कि इन छः के छः पॉइंट्स को याद कर लो क्योंकि एग्जाम बिल्कुल ही नियर है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्लीज़ डू दिस. अभी हम थोड़ा डिस्कस कर चुके थे डिफरेंस माइक्रो और माइक्रो में. अभी डीपली देखते हैं डिस्टिंग्विश माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमी इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमी इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल एंड इट्स एग्रीकल्चर, जो कि हमने बताया था एग्रीग्रेट. जो कि अभी हमने देखा था कि जो मैक्रो होता है वो एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टडी, हम इंडिविजुअल इकोनॉमी की यूनिट की स्टडी करते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की एक एक चीज़ की हम स्टडी करते हैं. दैट्स कम इन द मैक्रो इकोनॉमी. बट इफ़ यू टॉक अबाउट माइक्रो, दैट्स कम इन अ माइक्रो, जिसमें हम इंडिविजुअल की बात करते हैं और जिसमें हम एंटायर मतलब कि होल की बात करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं. दैट्स कम इन अ मैक्रो इकोनॉमी, जिसमें हम एग्रीग्रेट की पूरे के होल के होल की ही कंसिडर करते हैं. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमी इज प्राइस डिटरमाइंस एंड अलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, बट दैट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी इज डिटरमाइन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है, हमारी माइक्रो इकोनॉमी में किस चीज़ की प्रॉब्लम? प्राइस एलोकेशन, जो रिसोर्सेज उसको अच्छे से एलोकेशन करने में. लेकिन जो मैक्रो में क्या होता है कि मैक्रो में हमने कैसे डिवाइड करे, कैसे हमने डिटरमाइन किया है लेवल ऑफ इनकम को एंड एम्प्लॉयमेंट से हम कंसिडर करते हैं. मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर कॉमोडिटी फैक्टर्स, वेयर एज टूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. जो कि हमने माइक्रो इकोनॉमी में हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, डिमांड और सप्लाई को ही हम बेस मानते हैं, ठीक है. और जो कि अगर हम उसमें बोले कि माइक्रो इकोनॉमी में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई नहीं होती, उसमें होती है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ होल इकोनॉमी. जैसे कि हम मैक्रो में हम एक इंडिविजुअल चीज़ को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की डिमांड को देखेंगे और सप्लाई को. लेकिन हम मैक्रो में ऐसा नहीं होगा, हम पूरे पूरी डिमांड को देखेंगे, नॉट इंडिविजुअल, होल डिमांड एंड होल सप्लाई की, हम सबकी डिमांड और सप्लाई को देखेंगे. माइक्रो इकोनॉमी एनालाइज हाउ इक्विलियम्स ऑफ कंज्यूमर. हम माइक्रो इकोनॉमी में हम क्या देखेंगे कि हाउ कैसे कैसे जो इक्विलियम इक्विलियम ऑफ कंज्यूमर की इक्विलियम कंज्यूमर कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है. अ प्रोड्यूसर ऑफ एन इंडस्ट्री इज अटेन, जो कि एक जो एक कंज्यूमर है या फिर प्रोडक्शन या इंडस्ट्री अटेन कर पा रही है सर्टेन लेवल को या फिर नहीं. बट मैक्रो इकोनॉमी इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग ऑफ इकोनॉमिक इक्विलियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. और जो लेकिन मैक्रो इकोनॉमी होती है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करती है? इकोनॉमिकल इक्विलियम लेवल को, लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन करती है.
है, इक्विलिब्रियम पे हमारी जो इकोनॉमी की जो इनकम है वो इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, और इम्प्लॉयमेंट्स एंड आउटपुट कि इम्प्लॉयमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसको भी क्या कौन कंसीडर करता है, मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमीज डील विद प्राइस ऑफ इंडिविजुअल गुड्स एंड इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि माइक्रो इकोनॉमी है वो किसके लिए डील करता है, कि इंडिविजुअल की डिमांड को डील करता है, और इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि इंडिविजुअल ने कितना प्रोड्यूस किया है, किसी फैक्ट्री ने कितना प्रोड्यूस किया है। बट मैक्रो इकोनॉमी डील विद प्राइस एंड इनकम इन जनरल, और जो कि मैक्रो इकोनॉमी है वो प्राइस पर भी ध्यान देती है और इंडिविजुअल जो इनकम है जनरल इनकम पर भी फोकस रहता है। माइक्रो इकोनॉमी एक्सप्लेन हाउ रिसोर्सेज आर अलॉटेड्स हाउ, एंड जो माइक्रो इकोनॉमी है वो किस पे ध्यान देते हैं, किसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हमारे जो रिसोर्सेज है वो कैसे अलोकेटेड है, कि किस किस से एलोकेट किए गए हैं, हाउ एंड हाउ टोटल कि कैसे कैसे हमने बांटे हुए हैं और कैसे हम इसको टोटल करेंगे। प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट अमंग, जो कि प्रोडक्शन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, कॉर्पोरेशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, बट कॉर्पोरेशन फैक्टर्स में हमने उसको मतलब डिवाइड करा हुआ है कि हमने डिस्टिंग्विश किया गया। बट माइक्रो इकोनॉमी एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक कैपिटल एंड नेशनल इनकम ऑफ आ कंट्री इंक्रीज ओवरऑल, कि हम किस पे ध्यान देते हैं, हम माइक्रो में कि कैसे हमारी जो प्रोडक्शन है, कैपिटल कैपिटल इनकम बोले या फिर नेशनल इनकम, कैसे एक कंट्री की कैसे इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इस पे इस पर पूरा ध्यान कौन रखती है, माइक्रो इकोनॉमी रखती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ़ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अगेन वॉच दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी डू डिफरेंस बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। थैंक यू एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक। थैंक यू। बाय बाय।